बॉलीवुड की तीन ऐसी मूवीज जिसमें वियर्ड रीजन से लीड एक्टर एक्ट्रेसेस को रिप्लेस कर दिया गया था। नंबर वन, केसरी। बैटल ऑफ सारागढ़ी की रियल स्टोरी पे बेस्ड फिल्म केसरी आप सबने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस फिल्म के लिए पहले अक्षय नहीं बल्कि रणदीप हुड्डा को कास्ट किया गया था, और फिल्म की आधी शूटिंग भी हो चुकी थी तभी फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर पीछे हट गए। मगर क्यों? बाद में अक्षय को फिल्म में लिया गया और फिल्म सुपरहिट रही। नंबर दो, कबीर सिंह। अर्जुन रेड्डी की ऑफिशियल कॉपी कबीर सिंह शाहिद कपूर की करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली फिल्मों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस फिल्म में पहले अर्जुन कपूर को लेना था, लेकिन डायरेक्टर एसआर वंगना को पसंद है शाहिद कपूर, तो उन्होंने अर्जुन कपूर को कुछ ऐसा ही कहा। पहली फुर्सत में निकल। नंबर तीन, जग्गा जासूस। रणबीर कपूर की फ्लॉप फिल्म जग्गा जासूस आपको भले ही समझ में ना आई हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस फिल्म में अनुराग बासु गोविंदा के पास छोटे से कैमियो रोल के लिए पहुंचे थे, लेकिन गोविंदा ने उन्हें इस रोल के लिए मना कर दिया था। वैसे कबीर सिंह के लिए अर्जुन कपूर और केसरी के लिए रणदीप हुड्डा को लेने से क्या ये फिल्में ऑडियंस को पसंद आती, कमेंट कर जरूर बताना।